दोस्तों अरे डरो मत, ये मैं ही हूँ और मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो के सेंटर में इस ब्लैक डॉट को गौर से देखते रहना और हो सके तो ब्राइटनेस को फुल कर लेना। और हाँ, मैं आपको डरावनी चीजें नहीं दिखाऊंगा, बस आपके दिमाग का इल्यूजन आपके सामने दिखाने वाला हूँ। इस ब्लैक डॉट को बस गौर से देखते रहना और कुछ ही देर में ये वीडियो मैं ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा और आप मुझे बताना कि आपको क्या दिखा। ओके, तो चलो 3, 2, 1 एंड चेंज। क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में आपको कलर कैसे दिख गया? क्या मैंने कोई ट्रिक किया है? वेल नहीं, ये वीडियो आप फिर से देखना और ये ब्लैक एंड व्हाइट ही था, लेकिन ये आपके दिमाग का खेल है कि इसने मेरे फुटेज को ब्लैक एंड व्हाइट की जगह पूरा कलरफुल दिखा दिया और मैंने बस बेसिक सी एडिटिंग की मदद से आपके दिमाग को कुछ इस तरह से घुमा दिया है कि आप इस भ्रम जाल में फंस गए। अब देखो, ये ट्रिक भले ही कमाल की थी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हमने आपके दिमाग को घुमा दिया ना, ठीक उसी तरह हमारे आसपास होने वाली चीजें भी तो महज एक भ्रम है, एक इल्यूजन ही तो हो सकती है। नाउ हियर नोटिस माय वर्ड्स, आई सेड इल्यूजन नॉट सिमुलेशन। बट सिमुलेशन और इल्यूजन में फर्क क्या है? देखो, अगर हमारी सराउंडिंग्स वाकई इल्यूजन्स का पार्ट है तो रियलिटी क्या है, और अगर रियलिटी कुछ और है तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब जानने के लिए हमें साइंस और फिलॉसफी को कंबाइन करना होगा और आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या ये यूनिवर्स एक भ्रम है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्रायरली हमें ये जानना होगा कि आखिर एक इल्यूजन सिम्युलेशन से अलग कैसे होता है। देखो, सिम्युलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई चीज असली ही नहीं है। बेसिकली हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इवन हम खुद भी एग्जिस्ट नहीं करते, पर हमें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है या फिर बनाया गया है ना कि हम उन चीजों को फैब्रिकेट करते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो सिम्युलेशन एक रियलिटी नहीं है, बल्कि नथिंगनेस को रियलिटी प्रूव करने का एक आइडिया है। पर वहीं अगर हम बात करें इल्यूजन की, तो इल्यूजन ऐसी चीजों के साथ डील करती है जिनका एग्जिस्टेंस प्रूवन है और जो हमारी दुनिया में 110% एग्जिस्ट करती है। बस हमारा परसेप्शन उस ऑब्जेक्ट के ट्रू सेल्फ को देखने से हमें रोकता है। अब सिमुलेशन जहां एक थियोरेटिकल आइडियोलॉजी है, वहीं इल्यूजन एक न्यूरोलॉजिकल फिलॉसफी जो हमारे परसेप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। पर अगर एक लाइन में यह अंतर बताना हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि सिमुलेशन में कुछ भी असली नहीं होता और इल्यूजन में सब कुछ असली होता है। बस डिपेंड इस बात पर करता है कि हम उस चीज को देख कैसे रहे हैं और हमारा परसेप्शन क्या है। सिंपलेस्ट येट मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनर में ये यूनिवर्स और ये पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन से बनी हुई है। चाहे बात हो स्मॉलेस्ट एटम की या लार्जेस्ट स्ट्रक्चर की, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे इंफॉर्मेशन से मिलकर बना हुआ है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक एटम को स्पेसिमेन के तौर पर देखें, तो उस एटम का चार्ज, उसके क्वांटम फ्लक्चुएशंस और उसकी एंट्रोपी, सब कुछ उस एटम में इंफॉर्मेशन की तरह ही एम्बेडेड होगा। हालांकि इंफॉर्मेशन कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, इस इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग तरीके से जरूर देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरप्रेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही ले लीजिए, जिसके अलग अलग वेवलेंथ की वजह से ही हम विजुअली चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। बट यहाँ पर भी पॉइंट ये है कि जहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे लिए चीजों को क्लियर करती है, वहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही वो कारण है जिसकी वजह से हम इस दुनिया की असली तस्वीर नहीं देख पाते। बर्कशायर के लिटिल सैंडस्ट में रहने वाले डॉक्टर निकोलस बी टेलर ने इल्यूजन पार्ट को सपोर्ट करने के लिए ये फैक्ट्स दिए कि इस दुनिया में बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं जो हमारी नजरों के सामने मौजूद रहते हैं, पर फिर भी हमारी इनएबिलिटी की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमें हमारी नजरों के सामने कोई चीज किसी कलर की दिखाई दे रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज असल में उसी कलर की हो, बल्कि हमारा दिमाग इतना लिमिटेड है कि वो बस कुछ ही कलर्स को एनालाइज कर सकता है, और इसीलिए जिन कलर्स को हमारा दिमाग नहीं समझ पाता, वो उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करके हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिखाने लगता है।
कुछ ज्यादा हार्ड हो गया ना। चलो एग्जांपल के लिए इस तस्वीर में जहां हमें ये बॉल रेड कलर की दिख रही है ना और पीछे के फूल इतने जगमग है, तो वहीं पर कुत्तों को यही सेम व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वेल, अब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि विजुअल डिफरेंसेस की वजह से कुत्तों को ऐसे किसी नजारे में लाल रंग दिखाई ही नहीं देगा। अब अगर आप किसी कुत्ते के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसके लिए वो बॉल ग्रे कलर की ही होगी और उसके हिसाब से यही रियलिटी है। पर वहीं अगर आप हमारे यानी कि इंसानों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको वो बॉल लाल कलर की ही दिखाई देगी और आपके लिए भी यही वास्तविकता होगी। मतलब ये बॉल सेम टाइम पर ग्रे भी है और सेम टाइम पर रेड कलर का भी है। अब बिल्कुल कुछ इसी तरह हमारे लिए जहां ये तस्वीर इतनी रंग बिरंगी है, तो वहीं एक जायंट क्लैम को इसमें सिर्फ लिमिटेड कलर्स में कुछ डॉट्स ही दिखाई दे रहे होंगे। अब यहां पर ना तो कुत्ता गलत है, ना जायंट क्लैम गलत है और ना ही हम इंसान, क्योंकि हम सब वही देख रहे हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाह रहा है। पर क्योंकि हम हमेशा से उस चीज को वैसे ही ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए वही हकीकत बन जाती है। और हो सकता है आप जिस चीज को लाल देखते हो, रियलिटी में वो चीज लाल हो ही ना, पर क्योंकि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन के उस पहलू को उस तरह से इंटरप्रेट करता है, इसीलिए हमें वो चीजें लाल रंग की दिखाई दे रही है। अब इसी तरह टेलर के अनुसार ऐसी बहुत सी वाइब्रेशंस होती है जिन्हें कुछ लोग सुन सकते हैं तो कुछ लोग नहीं सुन सकते। दैट्स वाई हमारी क्षमता के हिसाब से जहां कुछ लोगों के लिए वो वाइब्रेशंस एक आवाज बन जाती है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। और इसीलिए हम इस दुनिया को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम इसे देखना चाहते हैं, ना कि उस तरह से जैसा ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब इंग्लैंड के एप्सम में रहने वाले माइकल ब्रेक ने अपनी थीसिस में इस पॉइंट को और ज्यादा क्लियर किया। एक लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एन इल्यूजन इज ए फॉल्स सेंस इंप्रेशन ऑफ समथिंग, और उसे समझने के लिए हमें इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉकी की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो, जॉन ने इस दुनिया को क्वालिटीज में क्लासिफाई करते हुए डिस्क्राइब किया है और वास्तविकता और झूठ के अंतर को बताते हुए इस यूनिवर्स की हर एक चीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, विच वेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। अब प्राइमरी क्वालिटीज में वो चीजें आती हैं जो परसेप्शन और न्यूरोलॉजी के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर बदली नहीं जा सकती और उनका कोई भी आर्टिफिशियल या फेक इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। ये क्वालिटीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, सॉलिडिटी, शेप, नंबर और पोजीशन। मतलब शॉर्ट में कहे तो वो खूबियां जो हमेशा डेफिनेट और फिक्स्ड रहती है। पर वहीं पर जॉन के हिसाब से कुछ ऐसे सेकेंडरी क्वालिटीज भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। अब ऐसे ही सेकेंडरी क्वालिटीज होते हैं कलर्स, साउंड्स, टेस्ट, स्मेल्स और फील्स एक्सेट्रा, जो हमारे दिमाग में क्रिएट होती है और फिर हमें अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आंख, नाक, मुंह वगैरह से समझ में आती है। अब हम आज के समय में अपनी आंखों को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मानते हैं जो हर एक तरह के कलर को देख सकती है, जिस वजह से हम इंसानों को ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया को सबसे क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही इनकम्प्लीट हो? What if the colors we are looking at are incomplete? Well, जिस तरह एक कुत्ते को लाल रंग इमेजिनेशन में भी नहीं दिखता, उसी तरह हम भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाहर के कलर्स को इसीलिए नहीं इमेजिन कर पाते क्योंकि वो हमें दिखाई ही नहीं देते। टेक्निकली अगर ये बात सच भी निकले तो कोई ताज्जुब होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन के स्केल पर बहुत आगे नहीं आए हैं। और अगर एक बार को हम ये अजम्पशंस लेकर भी चले कि हमारे दिमाग के लिमिटेशन की वजह से विजिबल होने के बावजूद हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी की पूरी एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ज्यादा डरावनी बन जाती है। अब इसे ऐसे समझो कि यूनिवर्स में जिस चीज को हम लोग डार्क एनर्जी मानते हैं या डार्क मैटर के नाम से जानते हैं ना, क्या पता वो बहुत ज्यादा विजिबल हो और उसका अपना कलर भी हो, बट क्योंकि हमारी आंखें और हमारे इक्विपमेंट्स उस कलर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा दिमाग हमें भ्रमित करने के लिए ब्रह्मांड के उन हिस्सों को हमें अदृश्य बना देता है और हमें छलावा देता है कि वहां पर कुछ है ही नहीं, जबकि असल में वो हिस्से काले या अदृश्य नहीं है, बस वो किसी ऐसे कलर या एलिमेंट के बने हुए हैं जिसे हमारा दिमाग देख नहीं सकता और इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता। एंड दैट्स वाई हमारे लिए ब्रह्मांड इतना ज्यादा खोखला है। अब अगर वाकई हमारी बाकी बचे ब्रह्मांड को ना देख पाना एक न्यूरोलॉजिकल लिमिटेशन है, तो देखो दुख से ही सही, पर ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा हमारी पीढ़ी के लिए
हमेशा अदृश्य ही रहेगा, जिसे हम आने वाले सदियों में भी कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि आपके हिसाब से डार्क मैटर के केस में क्या ये बात सही हो सकती है, या इसके अलावा भी कोई ऐसा पहलू है जिसे हम मिस कर रहे हैं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।